करगिल विजय दिवस पर पूरा सिरसा शहर भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। करगिल विजय दिवस के 20 साल पूरे होने पर शहरवासियों ने कैंडल मार्च निकालकर शहीदों को याद किया, उन्हें नमन किया। की वजह से देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, इसलिए उनका बहुत योगदान है देश की सुरक्षा में। उनके प्रति सबको नमन करना चाहिए और कोशिश ये होनी चाहिए कि कोई शहीद ना हो। प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि सीमा की रक्षा में हरियाणा के जवान हमेशा आगे रहते आए हैं। करगिल की जंग में भी सिरसा जिले के 3 जवान शहीद हुए थे। करगिल की सफेद बर्फ को अपने लहू से लाल कर देने वाले जाबाजों के बलिदान को देश हमेशा याद रखेगा। इस देश के वीरों ने एक ऐसा अद्भुत और असंभव कार्य करके और विजय हासिल की। मैं आज के दिन अपने उन जितने भी वीर हैं, हमारे आज भी सैनिक हैं, उनको सलाम भी करता हूं। लेकिन जिन्होंने शहादत प्राप्त की, शब्द नहीं होते हैं और कोई शब्द उन्हें श्रद्धांजलि भी नहीं दे सकते हैं, लेकिन हृदय की गहराई से भावनात्मक रूप से उनके नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं कि उनके कारण आज यह देश गर्व और गौरव से दुनिया के सामने अपनी उपलब्धि को बखान कर सकता है। करगिल विजय दिवस पर हरियाणा के 77 जांबाजों को याद किया गया। इन वीर सपूतों ने दुश्मनों को खदेड़ने के बाद घर वापस आने का वादा तो निभाया, लेकिन इनकी वापसी का अंदाज निराला था। R9 TV के लिए सिरसा से सुरेंद्र सैनी की रिपोर्ट।